नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि सिकिदरी थाना प्रभारी ने, जो शायद उनका नाम था चंद्रशेखर कुछ, तो उन्होंने मेरा मोबाइल लूट लिया था। तो ये बात क्या है, तो पूरी बात बताते हैं। हम लोग का जो गांव में हुंडरू फॉल में, यहाँ पर जो समय है आने जाने का, उसके बाद थाना प्रभारी जी आए थे और उसके लिए गेट खोल दिया गया था और कुछ मेहमान को लेके आए थे या कोई थे, तो गाड़ी वगैरह सब अंदर घुसाएं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और नहीं यहाँ के लोगों को, पर्यटन कर्मियों को उन्हें अंदर घुसने देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब हमारा गाड़ी अंदर में रहता था तो पर्यटन कर्मी चिल्लाने लगते हैं, बाहर करो बाहर करो। मतलब मेरा गांव में, हमारा अपना जमीन में हमारा कोई इज्जत नहीं है। कोई मेहमान आए, पूछ आए तो चिल्लाने लगता है जैसे उसके बाप का है और पर्यटन विभाग का जमीन में ये हुंडरू फॉल है। तो यही कारण है कि मैंने उसका फोटो वीडियो बना रहा था। वो मोबाइल ब्रजेश भुक्ता का था जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था, तो या लूट लिया था। तो वही जो थाना प्रभारी जी हैं, हमसे मोबाइल छीन लिए थे और वो तो दूसरा का मोबाइल था। तो फिर वो मोबाइल वो अपने साथ थाना लेते गए, सिकिदरी थाना, और बस हम बाद में दूसरा दिन गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ ये दूसरा वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ये तो बात साफ होगी हो गई कि सिकिदरी थाना प्रभारी जो थे चंद्रशेखर कुछ जो नाम था, उन्होंने मुझसे मोबाइल लूटा था क्योंकि हम उसका फोटो वीडियो बना रहे थे और हुंडरू फॉल में जो यहाँ गेट बंद होने के बाद उन्हें एंट्री नहीं देने चाहिए थी। इसकी किसकी गलती है आप जरूर जाने, ये कोई पर्यटन विभाग का नियम नहीं है, लेकिन जो यहाँ का आदमी है, जो एक नंबर का ख़त्म आदमी है, उन लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। उन लोग खुद का मालिक समझते हैं, मतलब गाँव का और दूसरा कोई का अधिकार नहीं है कुछ, और वही लोग सब जानते हैं, वही लोग सब करते हैं। डर, यहाँ पर मारपीट के कोई चला जाता था उसके खिलाफ बोलने का कोई क्षमता नहीं। आज जब इतना सुधार कर दिए हैं, हो रहा है, और अधिकार का जो हनन हो रहा था, अधिकार का ज्ञान हो रहा है, तो वो भूल जा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों। लोग मार के चले जाते थे और बोलने का कोई क्षमता नहीं था, वो सब भूल जा रहा है हर कोई। दोस्तों, सिकिदरी थाना जब हम गए थे, जो मोबाइल थाना प्रभारी जी ले के गए थे, तो उसके सिलसिले में तो हम थाना गए थे। उसके बाद थाने के बाहर में हम बाइक में बैठे हुए थे, तो थाना प्रभारी ने जब मुझे बाइक में बैठे हुए देखा था तो उन्होंने मुझसे चाबी ले लिया था, मतलब गाड़ी ही ले लिया था। और वो बाइक मैं अपना बाइक लेके नहीं गया था। उसके बाद मैंने जिसका बाइक है फिर उसको बुलाया, मतलब थाना प्रभारी या पुलिस को मुझ पर ही शक होती है। तो भविष्य में ये जान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा कलंक लगने वाला है कि ये इतिहास में कभी नहीं मिटेगा। ये इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हम कुछ बड़ा ऐसे ही करने वाले हैं। तो सिकिदरी थाना प्रभारी जो थे उन्होंने मुझसे बाइक लूटा था, ये बात भी सही है 110%, इसे नोटिस कर लीजिए। और इसका अंजाम कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा कलंक लगेगा, इसे भी आप जान लीजिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।